खाना है, पेट में कुछ गलत चला भी गया तो उसे कैसे बाहर निकालना है, इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। डकार भी शरीर का एक मैसेज होता है, एक छोटा मैसेज जो हमें बहुत कुछ बताता है। इसका रहस्य और महत्व जिसने जान लिया उसके द्वारा खाया हुआ भोजन पूरी तरह से हजम होता है और शब्द धातुएं बनती हैं। हमारे आमाशय का साइज एक मुट्ठी जितना होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी में हमारा सारा भोजन इकट्ठा होता है। ये आमाशय है छोटा पर ये अपने आकार से 3 से 4 गुना बड़ा हो सकता है क्योंकि ये थैली नुमा है। इस जगह हमारा भोजन लगभग 5-6 घंटे के लिए रुकता है। अब आगे थोड़ा ध्यान से समझिए, जब सुबह सुबह हम खाली पेट होते हैं तो आमाशय सिकुड़ सा जाता है, इसमें कुछ शुद्ध वायु रहती है। जैसे ही आमाशय में पहला भोजन पहुंचता है और आमाशय भोजन से लगभग आधा भर जाता है, लगभग इतना, तो आमाशय की शुद्ध वायु हमारे मुंह में आती है जिसको तृप्ति डकार कहा जाता है। इस तृप्ति डकार द्वारा हमारा आमाशय हमें चेतावनी देता है कि अब तृप्ति हो गई है, खाना बंद कर दिया जाए, क्योंकि आमाशय आधा तो भोजन से भरता है और आमाशय का 1/4 भाग पाचक रसों से भरता है। अब बाकी बचा 1/4 भाग खाली रहना जरूरी है क्योंकि आमाशय में भोजन को हजम करने के लिए मैकेनिकल एक्शन मंथन क्रिया होती है जो भोजन को हजम करने में मदद करती है। इसको आप इस सरल उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम मुंह को पानी से पूरा भर लेंगे तो कुल्ला नहीं कर सकते और मटके को दही से पूरा भर लेंगे तो दही का बिलोना नहीं कर सकते। ठीक ऐसे ही अगर हम आमाशय को खाली नहीं छोड़ेंगे तो आमाशय में मंथन क्रिया नहीं होने वाली। लेकिन हम तो आमाशय की इस तृप्ति डकार द्वारा दी गई चेतावनी की परवाह ही नहीं करते, हम और अधिक खाते हैं। और अधिक खाने से जब हमारा आमाशय भोजन से पूरा भर जाता है तो जो थोड़ी बहुत शेष बची हुई शुद्ध वायु थी वो डकार के रूप में बाहर आती है जिसे पूर्ण डकार कहा जाता है। इस पूर्ण डकार द्वारा हमारा आमाशय हमें चेतावनी देता है कि अब वह पूरा भर गया है, अब भोजन को हजम करने में वह कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन बात यही तक खत्म नहीं होती, भोजन को हजम करने के लिए जो एसिड या पाचक रस चाहिए थे वे फिर भी निकलते हैं क्योंकि यह शरीर का नियम है। उस एसिड को आमाशय में जाने के लिए जगह नहीं मिलती क्योंकि आमाशय को तो हमने पहले ही पूरा भर लिया है। अब वह एसिड आमाशय के ऊपर के भाग में भोजन नली में ही पड़ा रहता है। ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति कहते रहते हैं कि उनको जलन एसिडिटी होती है या उनके शरीर में तेजाब बन रहा है। अब आगे की कहानी और खतरनाक है। आमाशय में जो भोजन ऊपर तक हमने ठसाठस भर लिया उसकी दशा एक बंद डिब्बे जैसी हो जाती है। अब ना तो इसको पाचक रस मिलने वाले और ना ही मंथन क्रिया के लिए जगह। अब ऐसी अवस्था में भोजन सिर्फ पड़ा रहता है और पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। भोजन जब सड़ता है तो उसमें गैस बनती है, ध्यान दीजिए दोस्तों, भोजन जब सड़ता है तो उसमें गैस बनती है। ये गैस कुछ तो गुदा द्वार से बाहर निकलती है जिसको हम पाद के रूप में अनुभव करते हैं और कुछ गैस का भाग आमाशय के ऊपर की तरफ मुंह से बाहर निकलता है। ये गैस जब ऊपर आ रही होती है तो भोजन नली में मौजूद एसिड के साथ मिलकर हमारे मुंह में आती है जिसको हम कहते हैं खट्टे डकार आना। खाते हम गुलाब जामुन है, हमें आने चाहिए मीठे डकार, किंतु आ रहे हैं खट्टे डकार। जरा सोचिए अगर व्यक्ति तृप्ति डकार आते ही भोजन लेना बंद कर दे तो उसे गैस और तेजाब का अनुभव नहीं होगा। अगर व्यक्ति तृप्ति डकार आने के बाद भी खाना बंद नहीं करेगा तो जीवन भर गैस और तेजाब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, चाहे वे व्यक्ति जीवन भर एंटासिड चूर्ण वगैरह लेता रहे। आप इस बात को न भूले कि संसार की लगभग 80% आबादी गैस और तेजाब के रोग से पीड़ित है। ये थी 3 तरह की डकार, तृप्ति डकार, पूर्ण डकार और खट्टी डकार। एक चौथी डकार बचती है भूख डकार। भोजन लेने के लगभग 5-6 घंटे बाद हमारा आमाशय भोजन को नीचे छोटी आंत में धकेल देता है, चाहे भोजन पचा हो या सड़ा हो, भोजन को 5-6 घंटे के अंदर आमाशय से निकलना ही पड़ता है। जब हमारा आमाशय खाली हो जाता है तो वह दोबारा सिकुड़ता है और उसमें से कुछ वायु हमारे मुंह में आती है जिसको भूख डकार कहा जाता है। इस डकार में दुर्गंध या स्वाद नहीं होता, जब ये आती है तो शरीर में अलग किस्म का हल्कापन होता है, इसका नाम भूख डकार है। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि डकार आने पर तुरंत खाना शुरू कर दिया जाए। इस डकार द्वारा हमारा आमाशय हमें ये कहना चाहता है कि आपने जो उसे हाजमे का काम दिया था उसको पूरा करके वह अभी अभी खाली हुआ है, उसे अब कुछ समय के लिए आराम की आवश्यकता है। भूख डकार आने के लगभग 1-2 घंटे बाद जब कड़क भूख का एहसास हो तभी दोबारा खाना चाहिए। इन 4 तरह के डकारों में तृप्ति डकार और भूख डकार का अनुभव हर व्यक्ति को होना चाहिए, पूर्ण डकार और खट्टी डकार बिल्कुल नहीं आने चाहिए। अब काफी लोग ऐसे हैं जिनको तृप्ति डकार का अनुभव ही नहीं होता। ऐसा उनके साथ होता है जो दिन में बार बार कुछ न कुछ खा रहे होते हैं। बार बार खाने की वजह से आमाशय 24 घंटे फैला ही रहता है क्योंकि उसको सिकुड़ने के लिए समय ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से आमाशय की लचक
खत्म हो जाती है। ऐसी हालत में तृप्ति डकार का अनुभव नहीं होता। अगर आमाशय सिकुड़ता है तो ही उसमें शुद्ध वायु इकट्ठी होती है जो कि डकार के रूप में बाहर आती है। अब ऐसी स्थिति में भोजन लेते समय थोड़ी भूख बाकी रख कर भोजन लेना बंद कर देना चाहिए। भोजन लेते समय शुरू शुरू में तो मालूम ही नहीं पड़ता कि पेट में कुछ जा रहा है, पर जैसे ही आपको मालूम पड़ना शुरू हो जाए, हल्का सा भारीपन आने लग जाए, तब तुरंत भोजन छोड़ देना चाहिए। फिर ये मत देखना कि मुझे तो ये पूरा खत्म करके ही थाली से उतना है। थाली में उतना ही लो जिससे आपको लगे कि इतना मेरे लिए काफी है। पेट से चोरी नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। दोस्तों, बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो तैयार किया गया है। आपका एक शेयर किसी के भी जीवन में परिवर्तन ला सकता है। हर व्यक्ति के लिए ये जानकारी बहुत ही लाभप्रद है। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।